नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है उन कैंडिडेट के लिए जिनके पास योग में डिग्री है। जी हाँ, योगा एंड नेचुरोपैथी में जिनके पास डिग्री है उनके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भर्ती निकाल दी है। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी यानी योगा एंड नेचुरोपैथी ऑफिसर की भर्ती आ चुकी है। सैलरी भी काफी शानदार रहने वाली है, 56,100 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। और आपकी प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद सैलरी रहने वाली है लगभग 80,000 रुपए महीने। पोस्ट जो है वो परमानेंट है, 2 साल तक आपको प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। सब डिपार्टमेंट में रखा जाता है, ऐसे यहाँ भी रखा जाएगा। प्रोबेशन के दौरान आपको फिक्स पे मिलेगी, जैसे ही आपकी परीक्षा अवधि पूरी होती है आपको पूरी सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये पोस्ट परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है। आज हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो साथ ही विज्ञप्ति जारी किया राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने 27/10/2020 को, और इसने कहा है कि ये योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी यानी योगा एंड नेचुरोपैथी ऑफिसर के पदों पर भर्ती करने जा रही है। ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जाएंगे। जो भर्ती आई है वो आई है राजस्थान के आयुर्वेद डिपार्टमेंट में, वैकेंसी है 33। इसको फिर कैटेगरी बांटा गया है और आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से चुन सकते हैं। जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी फॉर्म भरने का मौका है, लेकिन उनको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। और जो रिजर्वेशन का लाभ है राजस्थान के निवासियों को दिया जाएगा। अदर स्टेट कैंडिडेट जो है जो राजस्थान के निवासी नहीं है वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। अगर हम बात करें इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज में किसी भी यूनिवर्सिटी की, कम से कम 5 साल की। जी हाँ, आपके पास कम से कम 5 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज में। 5 साल की हो, 5 साल से ज्यादा की हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर कोर्स आपका होना चाहिए, यानी जो कैंडिडेट जिन्होंने पार्ट टाइम या फिर ओपन से या फिर डिस्टेंस लर्निंग से किया है वो एलिजिबल नहीं है। तो आपने रेगुलरली नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज में 5 साल की कम से कम डिग्री ली हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज। आप हिंदी में काम कर सकते हो क्योंकि राजस्थान की राजभाषा हिंदी है, तो आपको हिंदी में काम करना आता हो और आपको राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान हो। राजस्थान की संस्कृति के ज्ञान से संबंधित जो सवाल हैं, राजस्थान के जो कल्चर के नॉलेज के जो सवाल हैं, वो आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में और इंटरव्यू में। एक और खास बात इसमें मांगी गई है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास राजस्थान इंडियन मेडिसिन बोर्ड जो है वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा इंटरव्यू से पहले। यानी जब आपका इंटरव्यू होगा उससे पहले आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए राजस्थान इंडियन मेडिसिन बोर्ड में। जो कैंडिडेट अभी पढ़ रहे हैं, फाइनल ईयर में है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको इंटरव्यू से पहले एग्जाम में पास होने का सबूत देना होगा। पहले स्क्रीन टेस्ट होगा आपका, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के दिन से पहले आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। सैलरी आपको मिलेगी पे मैट्रिक लेवल 14 में, लेवल 14 का मतलब है 56,100 वाले ग्रेड में, लेकिन प्रोबेशन पीरियड में आपको फिक्स पे मिलेगी। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 1 जनवरी 2021 को काउंट होगी 20 से लेकर 45 साल। जहां कहीं भी वैकेंसी रिजर्व है वहां SST OBC को 5 साल की छूट दी जाएगी। राजस्थान की जनरल महिला को 5 साल की और रिजर्व महिला को 10 साल की छूट दी जाएगी। जो विडो डाइवोर्स वुमेन है उनके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है, लेकिन ये जो रिजर्वेशन है वो राजस्थान के निवासियों को ही दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो पहले होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट का जो सिलेबस है वो आगे आपको RPSC उपलब्ध करा देगी अपनी वेबसाइट पर। इसका 40% वेटेज आपको दिया जाएगा। मान लीजिए आपका 100 नंबर का पेपर आया और उसमें आपने 70 नंबर आपके आए, यानी 70 मार्क्स आपने एक्वायर किए, तो उसका 40% 70 × 40% 28 मार्क्स आपके काउंट किए जाएंगे। तो आपके 40% मार्क्स काउंट किए जाएंगे स्क्रीन टेस्ट के। 20% वेटेज होगा आपका एकेडमिक और इंटरव्यू के मार्क्स होंगे 40। इस प्रकार टोटल 100 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट तय की जाएगी। जो स्क्रीनिंग टेस्ट का वेन्यू है, एग्जाम डेट है, वो बाद में डिक्लेयर की जाएगी। जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके बारे में ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से लिया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, और इसका डिटेल सिलेबस आयोग की वेबसाइट यानी RPSC की वेबसाइट पर अवेलेबल जल्द ही हो जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 5 नवंबर, लास्ट डेट है 24 नवंबर। आप रात को 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। तो आप 5 नवंबर से लेके 24 नवंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं RPSC की वेबसाइट पे जाके। साथ ही आप SSO पोर्टल पे भी जाके फॉर्म भर सकते हैं। आपको पहले SSO ID बनानी होगी, उसके बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लें। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो देखिए, सामान्य वर्ग के कैंडिडेट EBC राजस्थान के क्रीमी लेयर के कैंडिडेट के लिए फीस है 350 रुपए, राजस्थान के OBC EBC के लिए है 250 रुपए, और 150 रुपए फीस जमा करानी होगी राजस्थान के SC ST PH को। साथ ही वो कैंडिडेट जिनकी फैमिली इनकम 2,50,000 रुपए से कम है। जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो 350 रुपए फीस जमा कराएंगे। और जब आप फीस जमा कराएं तो कोशिश ये करें कि उसका भी प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लें। और इस भर्ती के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आप टेलीफोन नंबर 01
2635212, साथ ही 2635200 पर संपर्क कर सकते हैं। फॉर्म आपके 5 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक भरे जाएंगे। साथ ही यह थी जानकारी जो भर्ती आई है योगा टीचर की, योगा मेडिकल ऑफिसर की राजस्थान आयुर्वेदिक विभाग में, उसके बारे में। सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन का लाभ राजस्थान के निवासियों को दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया हो तो इसको डिसलाइक कीजिए। और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।